वाह मेरे फौजी शेर, आज तूने दिखा दिया कि तू एक सच्चा फौजी है। टीटो जी को गिरने से बचाई लिया तूने। टीटो पुत्र तू ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी है? तुझे पता है जोगी, आज मुझे वही पुराने दिन याद आ गए जब हम एक दूसरे के करीब आने के बहाने ढूंढा करते थे। कुछ पल के लिए तो जैसे हम एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। चूंकि आज भी मैंने उसकी आंखों में वही प्यार देखा जो पहले देखा करता था। राजवीर मुझसे प्यार करते हैं सनी जी। मैं सिमरन को उनकी आंखों में देखना चाहती हूँ, लेकिन उनकी आंखों में मैं हूँ। हो सकता है कि प्रीतो की आंखों में आज भी तेरे लिए प्यार हो, लेकिन तू ये मत भूल मेरे दोस्त कि अब प्रीतो जी शादीशुदा है। जानता हूँ चूंकि शादी के बंधन सब मानता हूँ, लेकिन ये दिल कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक मैं राजवीर के पास हूँ वो सिमरन को कभी नहीं अपना पाएंगे। तू ही बता जो कि मैं क्या करूं। अपने दिल की सुन, जो आज भी यही कहता है कि प्रीतो मेरी है, या अपने दिमाग की जो ये मान चुका है कि प्रीतो किसी और की। प्रीतो जी, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन किसी को रातों रात बदला तो नहीं जा सकता ना। वो आपसे प्यार करता है तो अपने प्यार को भुलाने में थोड़ा समय तो लगता है प्रीतो जी। हाँ सनी जी, और वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। उन्हें मुझसे दूर करने का बस एक ही तरीका है, उनके दिल में मेरे लिए नफरत। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला सकूं। राजवीर तो यही समझता है कि आप बिना किसी वजह के उसको छोड़ के चली गई और मुझसे शादी करके उसे धोखा दे दिया। उसने तब आपसे नफरत नहीं की तो अब कैसे? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से राजवीर मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगे, मेरी शक्ल तक देखना ना चाहे। प्रीतो जी, राजवीर के दिल में नफरत पैदा करने के लिए एक ही तरीका है। प्रीतो जी, आपको पता है डबल रोटी किसे कहते हैं? ब्रेड को कहते हैं ना। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ डबल रोटी के ऊपर, अपने बारे में। पिताजी, मैं छोटा था ना तो मुझे डबल रोटी बहुत पसंद थी। तो बेबे ना इली रोटियां बनाया करती थी घर पे, तो मैं क्या करता था, मैं बाजार से चुपचाप जाके दुकान से डबल रोटी खरीद लिया करता था और खाया करता था। बेबे बहुत परेशान हुआ करती थी, तो बेबे ने मेरी आदत छुड़ाने के लिए मालूम है क्या किया? बेबे ने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया, मुझसे पूछा कि तुझे पता है डबल रोटियां कैसे बनती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। बेबी ने मुझे कहा कि जो डबल रोटी होती है ना, इसका जो मैदा होता है उसको पैरों से गूंदा जाता है, उसको फिर बेकरी में पकाया जाता है। बस जी प्रीतो जी, उस दिन के बाद तो मुझे डबल रोटी से नफरत हुई ना। बस वो दिन है और आज का दिन, मैंने डबल रोटी को हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? प्रीतो जी, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप राजवीर के लिए एक आदत बन चुकी है। अब प्रीतो जी, अगर हमें ये आदत छुड़वानी है ना तो हमें कुछ ऐसी स्टोरी बतानी पड़ेगी। प्रीतो जी, मुझे बताओ कि राजवीर आपसे प्यार क्यों करता है? चलो जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे प्यार क्यों करता हूँ। शायद उसकी भी कुछ ऐसी वजह रही होंगी आपसे प्यार करने की। प्रीतो जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मुझे आपके अंदर आपके साथ की बहुत पसंद आई थी। फिर लोगों के लिए आपका केयरिंग नेचर, हर किसी के बारे में इतना सोचना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हर किसी से प्यार से बातें करना,
आप इतनी प्यार से बातें करते कि किसी को भी अपना बना सकती। और सबसे अहम फैमिली, फैमिली की खुशियां, घर के रीति रिवाज आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐश आराम, पैसा, इन सबसे तो पिताजी आपको कोई मतलब ही नहीं। सुंदर है, सुशील है, ईमानदार है। और सनी जी, बस बस, मैं समझ गई कि राजवीर मुझसे क्यों प्यार करते होंगे, लेकिन अभी ये बात है ना कि हमें ये सब उनकी नजरों में खत्म करना है ना, मतलब जो मेरी इमेज है ना उनकी नजरों में, हमें वो तोड़नी है ताकि राजवीर मुझसे नफरत करने लगे। मैं प्रीतो से नफरत कैसे कर सकता हूँ, जो कि उससे प्यार करने के हजार वजह हैं, लेकिन नफरत करने की एक भी नहीं। जानता हूँ दोस्त, प्रीतो जी से नफरत करना तो दूर, उनमें कोई कमी निकालना भी कितना मुश्किल है तेरे लिए। कहना तो नहीं चाहता राजवीर, पर यार तेरी हालत देखकर कह रहा हूं, तुझे अब प्रीतो जी से नफरत करनी होगी, समझा तू? अब शायद यही एक रास्ता बचा है। तूने तो मुझे छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन मुझे उसे छोड़ने की वजह बतानी होगी, ताकि इस दिल को समझा सकूं कि उससे नफरत करे, प्यार नहीं। तुझे पता है चुकी, रितु से प्यार करके इस दिल को कभी सुकून नहीं मिला, शायद नफरत करके इसे चैन ही मिल जाए। तो जी, हो गया आपकी इमेज को तोड़ने का प्लान तैयार। आपकी इमेज को राजवीर के सामने कैसे तोड़ना है सब कुछ इसमें लिखो। बस सनी जी, अब ये प्लान ना कामयाब हो जाए जी। हो जाएगा बेटा जी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा जी, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं, आप पर नहीं हंस रही, कुछ बात ध्यान आ गई थी इसलिए हंस रही हूँ। क्या? आपको पता है जब राजवीर और मैं पहली बार मिले थे ना, तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे। लेकिन मैं भी बड़ी चलाक थी, सोनू को मैच पढ़वाना था मुझे राजवीर से, राजवीर मान नहीं रहे थे। फिर पता मैंने क्या किया, बड़े बड़े पोस्टर छपवाए राजवीर के नाम और नंबर के, कि इस नंबर पे संपर्क कीजिए, यहाँ पर अंग्रेजी मुफ्त सिखाई जाती है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से राजवीर को फोन आया कि हमें अंग्रेजी दिखा दो, अंग्रेजी सिखा दो। रितु जी, एक बात कहूँ? कहिए ना। आप राजवीर को अपने ख्यालों से तो निकाल नहीं पा रही, अपनी जिंदगी से क्या निकालेंगे?